चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए। ठीक है, सभी को वॉइस आ रही है? ओके, चलिए तो आज नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑसिलेशन। और इस चैप्टर में जो भी बेसिक चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन सभी को हम डिटेल में पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, LSHM पढ़ना है। LSHM का पूरा नाम होता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, समझ गया सबको क्या पढ़ना है हमें आज, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। और मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में जेई नीट एमएसटी सीटी में सबसे ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा मतलब एग्जाम में 100% चांसेस है कि इस बार भी यही है। कभी कभी नहीं आता है, तो फिर क्या आता है वो भी मैं आपको बताऊं। ये जो ASHM है किसी और टॉपिक का पार्ट है, बट ऑसिलेशन में हम इसको भी कवर कर लेंगे। ये लीनियर है तो ये एंगुलर है, लीनियर में एक्स लेते हैं तो एंगुलर में बच्चों थीटा लेते हैं। ओके, तो हमें क्या पढ़ना है, लीनियर SHM पढ़ना है बहुत डिटेल में। ये जो टॉपिक को मैं स्टार रेटिंग दे रहा हूं ना, ये ऐसे ही नहीं दे रहा हूं, उसका रीजन है कि ये पिछले बोर्ड एग्जाम्स में चार पांच साल से आ रहा, तो हम 5 स्टार दे देते हैं इसको। डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जाम में आता है, बहुत जरूरी पार्ट है। उसके बाद एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। ये ओल्ड सिलेबस का ओल्ड पार्ट है और बोर्ड का जेई नीट एमएसटी सीटी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम की बात करो सबका फेवरेट पार्ट, एग्जाम में यही आता है। स्प्रिंग कांस्टेंट में सीरीज और पैरेलल में हम स्प्रिंग को देखेंगे, वो एग्जाम में थोड़ा कम आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अभी तक इतना ज्यादा डिटेल में नहीं आया, पर आता है, थोड़ा बहुत आता है। और जेई नीट में और एंट्रेंस में बहुत ज्यादा आता है, जेई नीट में तो ये भरपूर आता है ना, हमको पता होना चाहिए कि क्या एग्जाम में आता है। तो इसको हम 3 स्टार दे देते हैं क्योंकि हम स्टेट बोर्ड पढ़ रहे हैं, तो स्टेट बोर्ड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या है। इसको 1 स्टार क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आता है, नहीं आता है, 20 साल में एक बार आता है, 2 बार आता है, बहुत होता है। ये रिपीटेडली हर साल एग्जाम में आता है। इस चैप्टर का वेटेज भी बहुत ज्यादा है, 5 मार्क का चैप्टर, बहुत ज्यादा वेटेज है। इस चैप्टर का यूज अदर चैप्टर्स में भी होता है, यानी अगर आपने ऑसिलेशन चैप्टर सीख लिया तो आपको एसी आ जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा, आपको लाइट के बारे में इजिली समझ में आएगा, आपको साउंड के बारे में इजिली समझ में आएगा, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी आपका इसमें कवर हो जाता है। यानी ऑसिलेशन अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो 4 से 5 चैप्टर्स आपको बहुत इजी हो जाते हैं। सो एनर्जी पढ़ेंगे इसमें, और सबको पता है जितनी भी एनर्जी के टॉपिक हैं वो बोर्ड एग्जाम में आती ही हैं। यानी एनर्जी का टॉपिक कर लो और ये टॉपिक कर लो, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। और ये सिंपल पेंडुलम के न्यूमेरिकल आते हैं, तो मैं आपको PYQ कराने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर कराने वाला हूँ, तो वहां से ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। अब लीनियर है तो आपके सिलेबस में अपडेट हुआ है, मैं अपडेट वालों को थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, ब्लू कलर। तो ये आपका क्या हुआ, अपडेट हुआ है, अच्छी बात है, NCERT का कंटेंट आया है, अपडेट हुआ है, मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल। ASHM में क्या पढ़ना है, फिर से वही पढ़ना है, यहां डिफरेंशियल पढ़ लिए तो यहां पे भी डिफरेंशियल पढ़ना है, यहां पे मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ASHM मतलब एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, डैम। अब SHM में जो ये पढ़ रहे हो आप, ऑसिलेशन 2 टाइप के होते हैं, एक डैम्प्ड होता है, एक अनडैम्प्ड होता है। डैम्प मतलब छत के ऊपर अगर कोई रॉड है, लोहे का रॉड है, आपने उसको पकड़ा और खींचा और छोड़ दिया, क्या लाइफ टाइम तक वाइब्रेटिव होते रहेगा कि कुछ देर बाद डैम्प्ड हो जाएगा, समझेगा डैम्प सबको। धीरे 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 इसके ऑसिलेशन कम हो जाएंगे, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा। डैम्प मतलब जो धीरे धीरे क्या हो जाए, कम हो जाए, ऐसा SHM। और फोर्स और फ्री वाइब्रेशंस भी हमारे टॉपिक में है, ये साउंड का पार्ट था, बट इसको यहां कवर कर लिया है, तो कोई बात नहीं, ये अपडेटेड है। अपडेटेड मतलब ऐसा कि ये साउंड में था पिछले ओल्ड सिलेबस में, इसको अभी साउंड से ऑसिलेशन में डाला गया है, तो पिछला ओल्ड सिलेबस बस यहीं तक का था। यानी आप जो भी देख रहे हो आपके सिलेबस में अपडेटेड फॉर्म में, वो ब्लू कलर से है, ये नहीं, ये तो मैं डायग्राम आपको समझाने के लिए बताइए। तो ये जो भी कॉन्टेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है ये अपडेटेड है, और इन अपडेटेड को हमको पढ़ना जरूरी है क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इस बार यार क्लियर है। तो क्या क्या पढ़ना है सबको समझ गया, हमें काफी समय लगने वाला है इस डिफरेंशियल को पढ़ने के लिए, ये टॉपिक को पढ़ने के लिए, एक्सेलरेशन को पढ़ने के लिए, इसमें काफी सारा आपका समय जाएगा, काफी टाइम लगेगा, क्योंकि हम PYQ भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना सारा आ रहा है ना,
इसके क्वेश्चन, इसके न्यूमेरिकल थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, रिपीटेडली आ रहे हैं, यानी इसमें हमें टाइम कंज्यूम होगा और ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, ये एक एक दो दो दिन में खत्म हो जाएगा। यानी आपका बोर्ड आईएमपी, एंट्रेंस आईएमपी, एमएसटी, सीटी आईएमपी, जेई नीट आईएमपी, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप सबको समझ गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले। तो स्टार्ट किया जाए सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से। डायरेक्ट एलएसएचएम नहीं पढ़ेंगे हम, पहले बेसिक पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि मोशन कौन सा है। एक होता है आपका मोशन पीरियोडिक, नंबर वन। क्या पढ़ना है हमें? पीरियोडिक मोशन पढ़ना है। तो पीरियोडिक मोशन मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक मोशन? तो हम कहेंगे, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है क्या? एक सेकेंड, ओके। हाँ तो बच्चों, पीरियोडिक मतलब क्या होता है? जैसे आपकी क्लास 2 बजे रहती है, हर दिन 2 बजे रहती है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई क्लास, आप 10th स्टैंडर्ड में हो मान लीजिए, और 10th स्टैंडर्ड में आपकी क्लास हमेशा 2 बजे फिजिक्स होता है, तो फिजिक्स ही होता है, या फिर साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो हर दिन 2 बजे क्या होता है? फिजिक्स की क्लास होती है। यानी वो क्लास बार बार उसी समय पे रिपीट करती है। सबसे बड़ी बात, उसी समय पे रिपीट करना। ऐसा मोशन जो खुद को रिपीट करे आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, क्या अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, क्या ये पीरियोडिक है? बिल्कुल पीरियोडिक। एक साल के बाद अर्थ वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है, अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है उसी जगह। या फिर मैं क्लॉक का एग्जाम्पल लेता हूं, आपकी घड़ी, आपकी क्लॉक, क्या ये पीरियोडिक? तो आप कहेंगे हाँ सर, ये पीरियोडिक है। अगर अभी 2 बजे है तो कल भी 2 बजेगा, अगले दिन भी क्या होगा? 2 बजेगा। यानी वो टाइम वापस से क्या होगा? रिपीट होगा। यानी कोई भी चीज, एनी थिंग या फिर एनी मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो सारे एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे है, ये भी आपकी स्क्रीन पे है। आप कह सकते हो सर ये तो यूसीएम का एग्जांपल, ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो बिल्कुल सही बात है, सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। यानी कि क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन? खुद को रिपीट कर रहा है अगेन एंड अगेन After equal interval of time, after regular interval of time, is called as periodic motion. कौन से example? पहला, revolution of Earth around the sun, क्या ये periodic है? हाँ सर, repeat होता है, एक साल बाद वापस उसी जगह पे अर्थ आती है, repeat होता है। Rotation of Earth about its polar axis, यानी खुद के axis में अगर अर्थ rotate हो रही है तो क्या दिन के बाद रात आती है? कि वापस दिन आता है, फिर रात आती है, फिर डे नाइट वापस आते हैं क्या? हाँ सर आते हैं। यानी जो चीज अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट करे उसे हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। घड़ी का एग्जांपल बताया हमने, क्लॉक का एग्जांपल बताया, क्या 12 घंटे के बाद वापस फिर से रिपीट होती है? बिल्कुल सही बात है, 12 बजने के बाद फिर से 12 बजते है ना। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये केमिस्ट्री में भी आपने सुना होगा कि ये मोशन क्या होता है, पीरियोडिक। क्या सबको ये समझ गया? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, एग्जाम में आता है आपके। क्लियर है तो क्लियर रिप्लाई करें बच्चों। ओके, तो पीरियोडिक मोशन एग्जाम में आता है, 1 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये 1 मार्क की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डेफिनेशन लिखे, हाफ मार्क मिल जाएगा आपको, और 2 एग्जाम्पल भी लिख दीजिए आपको, और हाफ मार्क मिल जाएगा, एक सफिशियंट है वैसे। अब हम बात कर रहे हैं ऑसिलेटरी की, एनिमेशन से जल्दी समझता आपको, बट पहले इसको समझ लो। कैसा मोशन? टू एंड फ्रो मोशन। कैसा मोशन बच्चों? टू एंड फ्रो। एग्जांपल, एक पिंजरे में शेर बंद है, और शेर क्या कर रहा है? जा रहा है और पलट के उस दीवार की तरफ से वापस आ रहा है। पिंजरे में शेर बंद है, आप गए होंगे तो पिंजरे में नहीं, शेर के पास नहीं, मैं टूरिस्ट की बात कर रहा हूं। जैसे आप कहीं घूमने जाते हो तो वहां पे आपको सपोज एक पिंजरे में शेर दिखता है, तो शेर क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। शेर जा रहा है आपकी तरफ, आ रहा है, पिंजरे को देख के वापस पलट जा रहा है, फिर शेर आ रहा है, फिर वापस पलट जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर वापस, मतलब क्या? टू एंड फ्रो मोशन। चलो नहीं समझा सर, एक और एग्जाम्पल, ये लो बच्चों, टू एंड फ्रो मोशन। क्या टू एंड फ्रो समझा? क्या कंप्लीट एक सर्कल बना रहा है? नहीं सर, एक टू एंड फ्रो कर रहा है, जाके वापस आना, जाके वापस आना। क्या जाके वापस आ रहा है? नहीं, ये वैसा नहीं कर रहा, ये अपने पाथ को रिपीट कर तो रहा है लेकिन पूरा सर्कुलर पार्ट में रिपीट कर रहा है। ठीक है,
सर्कुलर मोशन। अब ये क्या है, ये तो पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी भी है। हाँ सर, पीरियोडिक भी है ऑसिलेटरी भी है। क्यों ऐसा मैंने बोला, मान लीजिए यहाँ पे आपका 2 सेकंड में यहाँ पे पहुंचता है, फिर 2 सेकंड में यहाँ पे भी पहुंचता है, तो वापस वहीं पे पहुंच रहा है 2 सेकंड बाद, फिर 2 सेकंड बाद वापस वहीं पे पहुंच रहा है, यानी इक्वल टाइम पे रिपीट हो रहा है। यानी वो क्या कर रहा है, इक्वल टाइम पे रिपीट हो रहा है। यानी मोशन ऑफ अ पेंडुलम, कौन सा पेंडुलम, वो भी क्लॉक पेंडुलम, आपकी घड़ी की बात कर रहा हूं। ये नहीं कि थ्रेड से आपने एक पेंडुलम बांध दिया और उसको पकड़ा और छोड़ दिया, तो आप कहेंगे सर ये सिंपल पेंडुलम क्या हमेशा वैसे ही ऑसिलेशन करेगा, नहीं करेगा। वो क्या होगा, आपका सिंपल पेंडुलम आपने अगर उसको धागे से बांध के रखा है और आपने उसको क्या किया, राइट साइड खींचा और छोड़ दिया, तो ये वापस आएगा क्या थोड़ी देर बाद, धीरे धीरे रुक जाएगा। समझ गया सबको, यहाँ पे क्या होगा, आपका थ्रेड वाला पेंडुलम आपने धागे से बांध के रखा है उस पेंडुलम को, ये वाला क्लॉक वाला पेंडुलम का एग्जांपल। तो हम बात कर रहे हैं कि दो टाइप के मोशन होते हैं सर, एक होता है पीरियोडिक मोशन होता है और एक ऑसिलेटरी मोशन होता है। पीरियोडिक मतलब जो अपने आप को एक इंटरवल के बाद रिपीट करे, उसे हम पीरियोडिक कहते हैं। जैसे हमारी क्लॉक हमेशा खुद को रिपीट करती है, 2 आज बजे हैं, बाद में भी 2 बजने वाले हैं, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होता है, अपने आप को क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं वो रिपीट करते हैं। और टू एंड फ्रो मोशन की अगर हम बात करते हैं, तो टू एंड फ्रो मोशन ऐसा मोशन जो जाके क्या होता है, वापस आता है उसी पाथ में, सेम पाथ में खुद को रिपीट करता। सो एनी टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, ये कौन सा मोशन है, पीरियोडिक है और ऑसिलेटरी है, दोनों है। मैं अभी फिलहाल ऑसिलेटरी की बात करता हूँ, बाद में पीरियोडिक और इसको मर्ज करें। तो पेंडुलम का मोशन पीरियोडिक है, स्प्रिंग का मोशन भी क्या है, वही है, स्प्रिंग को आपने पकड़ा और छोड़ दिया तो स्प्रिंग क्या करेगी, ऊपर नीचे ऑसिलेट होगी, है ना। थर्ड मोशन, मोशन ऑफ अ बॉल, ये बॉल देख रहे हो आप, आपने इस बॉल के अंदर एक बॉल रखा, पकड़ा और छोड़ दिया, तो क्या ये यहां तक जाएगा, हाँ यहां तक जाएगा, फिर वापस आएगा यहां तक, फिर धीरे धीरे क्या होगा, स्टॉप। समझा सबको, क्या ये उसी पाथ में मोशन कर रहा है, हाँ सर उसी पाथ में मोशन कर रहा है। तो जो भी चीज सेम पाथ में टू एंड फ्रो मोशन करे, आना और जाना, उसे हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। लास्ट एग्जांपल, स्विंग मशीन, ठीक है, ये सिलाई मशीन की बात कर रहे हैं। सिलाई मशीन की जो स्पेलिंग है सेविंग, यहाँ पे जो आप देख रहे हो इसमें ई साइलेंट होता है, इसलिए आप स्विंग मशीन कहते हैं। तो सिलाई मशीन में आप देखोगे, मैं एनिमेशन दिखाऊंगा आपको अभी के लिए, बस आप ये ध्यान में रखो कि ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, वाइब्रेटरी मोशन। डन, यहां तक समझ गया सबको, अभी हम और डिटेल में देखेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सबको, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक एक मार्क के लिए आ सकती है, बेसिक है। पीरियोडिक मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो, और ऑसिलेटरी मतलब टू एंड फ्रो मोशन करे। देखिए इस एनिमेशन से आप और डिटेल में समझिए, ये पेंडुलम को ऑसिलेशन, ये पेंडुलम में ये जो आपको दिख रहा है ये बीच में जो रेड कलर से हमने देखा है इसको, इसे हम कहते हैं मीन पोजिशन, इसे कहते हैं हम मीन पोजीशन। इसे आप इक्विलिब्रियम या तो और भी वर्ड यूज कर सकते हो, बाद में बताता हूं ब्लैक स्क्रीन पे। ये पेंडुलम जो ये राइट साइड में यहां तक आ रहा है, इसे आप कहते हो राइट साइड है तो प्लस कहेंगे, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। और पेंडुलम यहां से वापस यहां पे जा रहा है, इसे आप कहेंगे निगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन। वन मोर टाइम, सेंटर वाली जो पोजीशन होती है, सेंट्रल चीज की हम बात कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे मीन पोजीशन, राइट साइड वाले को हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और लेफ्ट साइड को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। क्या ये इक्वल समय के बाद जा रहा है फिर वापस आ रहा है क्या, हाँ सर उतने ही समय में आना जाना कर रहा है, मतलब जितना समय इसको राइट साइड जाने को लग रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन में, उतना ही समय इसको लेफ्ट साइड जाने में लग रहा है निगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन। यानी क्या सर ये टू एंड फ्रो है, हाँ टू एंड फ्रो तो है, टू एंड फ्रो है ना, टू एंड फ्रो दिख रहा है हमें, जाके वापस आना उसी रास्ते से, हाँ तो पहला तो टू एंड फ्रो है, लेकिन मुझे आप बताओ क्या ये पीरियोडिक है,
पीरियोडिक मतलब अपने आप को उसी समय पे रिपीट करना, जितना समय इसको यहां जाने को लगे उतना ही समय इधर जाने को लगे, यानी सेम टाइम। पीरियोडिक मतलब रिपीट्स इन सेम टाइम, खुद को इक्वल टाइम में रिपीट करे। तो आप कहेंगे सर हाँ इक्वल समय में ये रिपीट कर रहा है खुद को, यानी जिस पोजीशन पे वो जा रहा है उसी पोजीशन पे वापस भी आ रहा है, तो इक्वल टाइम इंटरवल लग रहा है। चलिए ये तो समझ गया होगा। एक और एग्जांपल, ये सुंदर कन्या झूला झूल रही है। तो ये जो झूला झूल रही है, कुछ देर बाद झूला झूलते झूलते क्या होगा, वो रुकेगा है ना। कुछ देर बाद झूला ये झूल तो रही है, तो क्या हमेशा लाइफ टाइम तक ऐसे ही झूलती रहेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कुछ देर बाद ये रुक भी जाएगी, तो जब ये रुक जाएगी तो हम कह सकते हैं सर वो अपने आप को इक्वल टाइम पे रिपीट कर रही है क्या? नहीं। तो ये मोशन क्या अपने आप को रिपीट करेगा खुद इक्वल टाइम पे? तो आप कहेंगे कि नहीं करेगा। अगर ये अपने आप को उसी समय पे रिपीट नहीं करेगी तो हम कहेंगे नॉट पीरियोडिक। झूला झूले हो आप लोग तो आपको पता होगा कि हम झूला झूलते हैं तो एक बार सबसे ऊपर जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे करके नीचे नीचे आते, मतलब धीरे धीरे करके स्लो डाउन हो जाते। फन एंड फूड में आप बैठे हो, कोलंबस में वो जो ड्रैगन जैसा रहता है, एक समय ऐसा आता है कि बहुत ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे करते करते क्या होता है, धीरे धीरे करते करते वो रुकना स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों क्या ये पीरियोडिक है? तो आप कहेंगे नहीं सर, वो जो ड्रैगन में हम बैठे हैं जो ऐसा ऐसा ऊपर नीचे होता है, वो कुछ देर बाद क्या होता है सर, रुक जाता है, यानी अपने आप को रिपीट नहीं करता उसी उसी पोजिशन पे, तो वो पीरियोडिक नहीं है। क्या टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है? क्या ये लड़की टू एंड फ्रो मोशन कर रही है? जिस जगह से जा रही है उसी जगह पे वापस आ रही है? क्या अपने रास्ते को रिपीट कर रही है? तो आप कहेंगे हाँ, ये पीरियोडिक नहीं है लेकिन ऑसिलेटरी है। क्या एग्जांपल क्लियर हो रहे सबको? अगला मैं आपको पूछूंगा। अब ये एनिमेशन है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है जिस जगह से चालू करेगा उस जगह पे वापस आएगा। तो ये जो पोजीशन है जहां पे हम जीरो शो कर रहे हैं, यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर इसको आप रेस्ट कह सकते हैं या फिर मीन पोजीशन। जैसे आप रेस्ट कह सकते हो या फिर मीन पोजीशन या तो इक्विलिब्रियम, ये कुछ वर्ड आपको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, वो सब यूज कर सकते। इसे ऊपर है तो प्लस कहेंगे, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन पे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और नेगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन पे नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ये सारी चीजें रहती है। तो ये वाला कॉन्स्टेंट अपनी जगह पे वापस आ रहा है, तो ये पीरियोडिक और ऑसिलेटरी दोनों है। सिलाई मशीन, आप मुझे बताओ सिलाई मशीन काम कर रही है क्या? सिलाई मशीन ऐसे ही काम करते रह जाएगी, कुछ देर बाद रुकेगी? तो आप कहेंगे ये सर रुकेगी, 5 मिनट बाद रुके या तो 10 मिनट बाद रुके, बट रुकेगी। तो क्या ये सिलाई मशीन पीरियोडिक है? कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्या ये पीरियोडिक है? जल्दी बोलो। सिलाई मशीन का एग्जांपल लैग कर रहा है, एक सेकेंड। दो मिनट दीजिए, रिकनेक्टिंग हो रहा है। ते हैं जैसे सिलाई मशीन का एग्जांपल हो, या फिर आप कह सकते हो ये स्विंग वाला एग्जांपल हो है ना, या फिर पेंडुलम क्लॉक हो, या फिर आप कह सकते हो कि आपकी सेकेंड क्लॉक, सेकेंड पेंडुलम भी होता है, क्लॉक वाला पेंडुलम जो होता है ना उसे सेकेंड पेंडुलम कहते हैं, यानी घड़ी का पेंडुलम सेकेंड पेंडुलम। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो घड़ी वाला पेंडुलम है क्या वो ऑसिलेटरी है, या फिर क्या वो पीरियोडिक है, या फिर दोनों है, या फिर दोनों नहीं? तो आप क्या कहेंगे? सर जो क्लॉक का पेंडुलम होता है वो एक इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता है। क्लॉक वाला पेंडुलम क्या अपने आप को रिपीट करता है? बिल्कुल करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्लॉक का पेंडुलम है वो पीरियोडिक है और ऑसिलेटरी भी है, टू एंड फ्रो भी कर रहा है। तो ये टू एंड फ्रो आप देख सकते हो, ऊपर नीचे जो यहाँ पे सिलाई मशीन में हो रहा है उसे टू एंड फ्रो, यानी टू एंड फ्रो का मतलब ये होता है कि जो पेंडुलम में कोई भी जो ऑब्जेक्ट बांधा है हमने वो क्या करे, उसी रास्ते से आना जाना करे, उसी रास्ते से खुद को क्या करे, रिपीट करे। सो उसे हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। सो इतने सारे एग्जाम्पल, इतना सारा एनिमेशन आपके स्क्रीन पे है, कोई ना कोई एग्जाम्पल्स आपने लाइफ में किया होगा। मेरे हिसाब से आपने ये झूले वाला एग्जाम्पल किया होगा, स्विंग तो किया ही होगा बचपन में, नहीं किया होगा तो प्रैक्टिकल में ये पेंडुलम का एग्जाम्पल, इसको ट्राई करें।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि हार्मोनिक यानी क्या होता है और नॉन हार्मोनिक क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यानी आगे जाके आपको इसी का यूज करना है। हार्मोनिक फंक्शंस कौन से हैं और नॉन हार्मोनिक कौन से हैं, तो मैथ की बात करते हैं तो हार्मोनिक फंक्शन जो होते हैं उन्हें हम साइन और कोसाइन से हम डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पे साइन है और कॉस है तो हम इसे हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। और हार्मोनिक तो चलो ठीक है, हार्मोनिक ठीक है, उसके अलावा हम इसे सिंपल वर्ड क्यों कहते हैं उसको भी समझिए आप। सिंपल इसलिए कहते हैं कि ये जो साइन है और कॉस है इसका पावर वन होना चाहिए। बात समझ गई सबको? साइन स्क्वायर अगर लिखा है तो वो सिंपल हार्मोनिक नहीं है। सिंपल होने के लिए साइन का पावर क्या होना चाहिए? वन। क्या यहां पे साइन का पावर वन है? क्या यहां पे साइन का कॉस का पावर वन है? बात समझ गई सबको? सिंपल होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। सेकेंड, दूसरा, ये जो ओमेगा आपको दिख रहा है, ओमेगा ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर यहां पे ओमेगा है तो यहां पे भी ओमेगा होना चाहिए। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे ओमेगा है बट यहां पे डबल है, उसका टू ओमेगा है, तो हम इससे कहेंगे नॉट हार्मोनिक। क्या बच्चों ये सिंपल है क्या? हाँ सर, सिंपल है ना, सिंपल है। साइन का पावर भी वन है, इधर भी साइन का पावर वन है, ये सिंपल तो है बट हार्मोनिक नहीं है। क्या सबको ये वर्ड समझ गया हार्मोनिक मतलब क्या होता है? तो हार्मोनिक का मतलब ये है कि वो साइन और कॉस के फॉर्म में रहे और ओमेगा कांस्टेंट। साइन और कॉस के फॉर्म में रहे, ओमेगा कांस्टेंट रहे और साइन और कॉस का पावर क्या हो? वन। तो उसे हम कहेंगे सिंपल। सिंपल क्यों कहा? साइन का पावर वन है, पावर वन है ना। और हार्मोनिक मतलब कॉस एंड साइन फंक्शन। सो साइन और कॉस फंक्शन आर हार्मोनिक, और हार्मोनिक होने के लिए ये ओमेगा भी कांस्टेंट होना चाहिए। क्या बात सबको समझ गई? एग्जांपल्स ठीक है। तो ये है आपके हार्मोनिक, और सिंपल वर्ड क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे इसका पावर वन। तो ये बेसिक चीजें हैं, हमें पता होने चाहिए, क्योंकि आगे जाके बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे तो छोटी छोटी बातें वहां ये नहीं रहती, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखो। समझा सबको? इसका नाम लिख देता हूं मैं, सिंपल पेंडुलम। सिंपल यानी धागे से बांध के रखा आप, और ये है सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम यानी क्लॉक पेंडुलम। अब आपने क्लॉक वर्ड सुन के रखा है, आपने सेकेंड वर्ड नहीं सुना है। तो सेकेंड पेंडुलम, और सेकेंड पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर लेती है और टाइम पीरियड इसका 2 सेकेंड लेना पड़ता है, ठीक है। क्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, क्लॉक। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, अगर आपको ना पता हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हम बात इसकी कर रहे हैं, ये इस डायग्राम को देख के हम समझ सकते हैं कि सर ये जो अर्थ है ये ऐसे जा रही है लेकिन जाके वापस नहीं आ रही, जाके वापस नहीं आ रही, ये कंप्लीट एक रोटेशन कर रही है। तो सर ये ऑसिलेशन तो नहीं है, लेकिन क्या पीरियोडिक है कि? हाँ सर, अगर यहाँ पे 12 बजे ये अर्थ यहाँ पे आती है और 6 बजे यहाँ पे आती है तो ये फिर से एक बार 12 बजे वापस इक्वल समय पे आने वाली, यानी ये हो गई हमारी पीरियोडिक, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी पीरियोडिक, यानी इक्वल टाइम पे खुद को रिपीट करने वाले लोग पीरियोडिक होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे नॉट पीरियोडिक। नॉट पीरियोडिक मतलब ये झूले का एग्जाम्पल, स्विंग वाला एग्जाम्पल। अगर आप झूले में बैठे हो तो आपको पता है कि वो एक बार ऊपर जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो स्लो डाउन होते जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, स्लो डाउन होते जाता है। जो चीज अपने आप को रिपीट कर रहे हैं वो ऑसिलेटरी तो हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पीरियोडिक भी हो। पीरियोडिक होने के लिए उसको उतने ही समय पे उसी जगह पे आना पड़ेगा, उतने ही समय पे क्या करना पड़ेगा, उसी जगह पे। देख सकते हो यहाँ पे ये पीरियोडिक है, अर्थ हमारी क्या हो रही, उतने ही समय पे वापस उसी जगह पे आ रही है। तो पीरियोडिक मतलब विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड ऑसिलेटरी मतलब जो अपने आप को टू एंड फ्रो मोशन करे। तो ये टू एंड फ्रो तो कर रहा है बट उसी समय पे वापस अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, यानी कि ये स्विंग वाला एग्जांपल पीरियोडिक नहीं है। वेरी मोस्ट आईएमपी एग्जाम में एमसीक्यूज आता है,
और क्लॉक वाला तो आपको अभी भी बताया मैंने, ये अपने आप को रिपीट भी कर रही है और टू एंड फ्रो भी कर रही है, तो हम क्लॉक को क्या कहेंगे, पीरियोडिक एज वेल एज ऑसिलेटरी। क्या सबको ये सारी चीजें समझ गई क्या? बेसिक में कोई डाउट होगा हैंड रेस कर सकते हैं या फिर आप रिप्लाई करके बता सकते हैं। कोई डाउट है यहां तक किसी को? क्लियर है तो क्लियर रिप्लाई करें, क्योंकि हमें आगे और भी चीजें पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है, और आज हम बेसिक को ही डिटेल में देख रहे हैं। क्लियर? ओके ठीक है, तो हमें पढ़ना है बेसिक, नंबर वन एम्पलीट्यूड, नंबर टू टाइम पीरियड, एंड नंबर थ्री फ्रीक्वेंसी। सभी को पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब आपने जो पढ़ के रखा होगा लाइट में साउंड में, मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑसिलेशन वाले एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। अब वो भी कैसा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो इस एनिमेशन से समझते हैं, एनिमेशन तो नहीं, इस इमेज से समझते हैं, या फिर मैं बता देता हूं, ठीक है। तो इस पेंडुलम की मैं बात कर रहा हूं, आपने क्या किया, इस पेंडुलम को यहां तक डिस्प्लेस किया, ठीक है। यहां तक जो आपने पेंडुलम को डिस्प्लेस किया, तो पेंडुलम कहां आ गया? ये राइट साइड में आ गया। अब राइट साइड में आ गया तो मैं आपको बता चुका हूं, राइट साइड में आप लेंगे प्लस, और ये पेंडुलम वापस क्या होगा, ऐसे वापस जाएगा, है ना। पहले तो ऐसे गया पेंडुलम, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा। समझ गया? नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, एंड देन नंबर फोर, इस तरीके से मोशन होगा। तो जब आपने इस पेंडुलम को उसके मेन पोजीशन से, इसको आप मेन पोजीशन कह सकते हो, और पेंडुलम पहले रेस्ट में था, तो आप कह सकते हो रेस्ट या तो इक्विलिब्रियम। सर्कल रहेगा तो हम सेंटर कह देते हैं, और ग्राफ रहेगा तो हम ओरिजिन कह देंगे। ये नाम रहते हैं मेन पोजीशन के न्यूमेरिकल में, बहुत जरूरी है जो अभी मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर नोट करना चाहें तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से रफ कहीं पे भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, क्योंकि ये बेसिक अगर आपको आ गया तो ये चैप्टर समझने में बहुत ईजी जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मेन पोजिशन। तो हमने क्या किया, इस पेंडुलम को उसके रेस्ट पोजिशन से उठा के हमने राइट साइड डिस्प्लेस किया। ये जो राइट साइड डिस्प्लेसमेंट, इसे आप पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन कहते हैं, और ये जो लेफ्ट साइड डिस्प्लेस हो रहा है, इसे आप नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। राइट में पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और ये लेफ्ट में नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, समझ गया। ओके, तो आपने इसको राइट साइड डिस्प्लेस किया, मैं इसको यहां पे एक्स बोल देता हूं, पॉजिटिव ए, मैक्सिमम डिस्प्लेस किया, इसके ऊपर वो डिस्प्लेस नहीं हो सकता है, और लेफ्ट साइड जो डिस्प्लेस हुआ उसे मैं कह देता हूं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट माइनस ए। तो आपने देखा कि मैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वर्ड, यहां से यहां तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रहा है उसे मैं ए बोल रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे आप एम्पलीट्यूड कहते हैं। सो व्हाट डू वी मीन बाय एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम कहां से बच्चों, कहां से मैक्सिमम डिस्प्लेस कर रहे हैं, जल्दी से बता सकते हो? एमपी लिख सकते हो आप, एमपी, एमपी यानी मेन पोजीशन, एमपी यानी मेन। तो आपने मेन पोजीशन से इसको मैक्सिमम डिस्प्लेस पे किया, ठीक है। तो मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहेंगे, आज से याद रखिए, आपके न्यूमेरिकल में ये वर्ड दिखेगा। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और एक मार्क के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, वन मार्क के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। सबको समझिए डेफिनेशन, सारी डेफिनेशन मैंने टाइप करके रखी है, आप बाद में लिखिएगा, अभी के लिए आप ये डेफिनेशन देखो और इसको जल्दी से नोट करो, या फिर सब साथ में नोट करते हैं, सब कुछ बता दो एक लाइन से नोट करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा नोट करने से अच्छा सारा एक ही बार में नोट करो, मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, ये ऐसी चीज है जो बहुत जगह काम आने वाली है आप लोगों को। तो टाइम पीरियड का मतलब वन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान दीजिए,
टाइम पीरियड का मतलब वन रिवॉल्यूशन वन ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन को मैं सर्कल में आपको सर्कुलर मोशन में रिवॉल्यूशन पढ़ाया है, वाइब्रेशन भी बोल सकते हो और साइकल्स भी बोल सकते हो। वन साइकिल सबको पता है ना, वन साइकिल मतलब कितना डिग्री, 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन, समझा गया सबको, ये हमें पता है। एक साइकिल कंप्लीट कर दी तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या फिर टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं ये सर्कल की, तो हमने यहां से स्टार्ट किया और एक सर्कल एक साइकिल एक चक्कर एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया है, इसे हम क्या कहेंगे, एक टाइम पीरियड। आधा करेंगे तो आधा टाइम, समझा सबको। तो टाइम पीरियड का मतलब ये होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। डन। अब टाइम पीरियड के कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है। टाइम पीरियड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी आल्सो, और नेक्स्ट और लास्ट फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा, देखिए फ्रीक्वेंसी भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये आपको पता है ये सेकेंड में रहता है और सबको पता है इसे हम एक रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मतलब वन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एक चक्कर पर सेकेंड, वन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कितने रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, सर ये रेड पेन से जो लिखा है बता सकते हो कितने रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये भी फ्रीक्वेंसी है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी ऐसे पहचानो, एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन हुए अभी, तो आप कहेंगे सर 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इसका मतलब सर रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। क्या सबको फ्रीक्वेंसी समझ गई, और फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला है जैसे कि आपने पढ़ा है सर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, तो बच्चों एन इक्वल टू क्या होगा, एन इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो हमें पता है कि ये एन इक्वल टू इतना होता है और इसका एक फॉर्मूला है वन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, वन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया फॉर्मूला, हाँ ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, बट इसे आप कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये ओमेगा का नाम क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, दो नाम होते हैं, दोनों याद रखिए काम आता है, ठीक है। हाँ, इसके यूनिट की बात करेंगे तो इसका सबसे फेमस यूनिट है हमें पता है हर्ट्ज, लेकिन हर्ट्ज के अलावा भी आप देख सकते हो यहाँ पे एक और यूनिट मैंने रखा है, क्या यूनिट है वो, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि सर रिवॉल्यूशन पर सेकेंड यानी क्या, RPS, शॉर्टकट में क्या होगा RPS, आप शॉर्टकट यूज करो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब रिवॉल्यूशन के अलावा भी एग्जाम में आता है, अगर मैं बात करूं ऑसिलेशन चैप्टर की, ये रोटेशनल मोशन में ये वर्ड मिल गया, तो ऑसिलेशन में क्या मिलेगा, ऑसिलेशन पर सेकेंड, इसको शॉर्टकट में OPS कह देंगे। अब ये भी नहीं रहा तो एग्जाम में आपको सर्कुलर मोशन वाला साइकिल पर सेकेंड भी बोल सकता है, इसे आप कहते हो CPS। ये भी नहीं रहा सर तो और कुछ, हाँ वाइब्रेशन पर सेकेंड भी होता है और साउंड में काम आएगा आपको, उसका नाम है बीट्स पर सेकेंड। साउंड में क्या होता है, म्यूजिक है ना, म्यूजिक मतलब बीट्स, अब हम कहेंगे इसको पर सेकेंड। तो ये सब फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स है, इतने सारे यूनिट जरूरी थे इसलिए मैंने आपको बता दी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का और एक यूनिट होता है, उसका नाम होता है यूनिट नहीं, मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, यूनिट तो रेडियन पर सेकेंड है, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के बाय एम, एम बी द मास और के बी द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, स्प्रिंग या तो फोर्स कॉन्स्टेंट, 90% आपको स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ही वर्ड दिखेगा, 90% वर्ड क्या दिखेगा, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। क्या सबको एम्पलीट्यूड समझा, एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। टाइम पीरियड क्लियर, टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या फिर वन साइकिल, ओके। और फ्रीक्वेंसी का मतलब,
वन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। आई होप कि सबको ये छोटी छोटी बातें क्लियर होगी होगी। यही सारी छोटी छोटी बातें एक एक मार्क के लिए एग्जाम में आती है एज अ डेफिनेशन। डन, क्या सबको यहां तक क्लियर है? ब्लैक स्क्रीन नोट करना या फिर मैं व्हाइट स्क्रीन बताऊं आप लोगों को? ब्लैक स्क्रीन नोट करना है सबको? चलिए तो फिर व्हाइट स्क्रीन में जो भी डिटेल है उसको देख लीजिए। यहां तक क्लियर है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। नोटेड, वेरी गुड, बहुत फास्ट है। चलिए ये है आपके लिए नोट करने वाली बात, इसको नोट करें। डायग्राम के साथ नोट किया सबने? पेपर में डायग्राम मत ड्रॉ करना, मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम यूज की, ठीक है? पेपर में डायग्राम वगैरह ड्रॉ मत करना, एक एक मार्क के लिए आता है तो आप डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके टाइम वेस्ट मत करना। सीधा सीधा एक एक मार्क के लिए आप डेफिनेशन लिखो, बस बहुत है। और आपका जो नया सिलेबस है और नया जो पैटर्न एग्जाम पैटर्न है उसमें एक एक मार्क के क्वेश्चन काफी सारे आए। ओके डन, रिप्लाई करें, ठीक है तो बढ़ेंगे आगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे क्योंकि इस टॉपिक में आपको फेज भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है। एग्जाम में देख सकते हो आप, दो बार आया हुआ है, अक्टूबर 14 में आया हुआ है और 2000 में, ठीक है? तो फेज एक्चुअली क्या होता है? पार्टिकल की पोजीशन होती है, पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम फेज से। और ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होगा सेम फेज और एक होगा अपोजिट। सेम फेज के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता है जब एंगल 0 डिग्री होता है तो हम फेज सेम बोलते हैं, ठीक है? 0 डिग्री मतलब पैरेलल, सेम फेज को मैं कह सकता हूं पैरेलल, सेम डायरेक्शन, ये वर्ड भी यूज होता है न्यूमेरिकल में, और हम कह सकते हैं 0 डिग्री, ठीक है? और अपोजिट फेज मतलब एंटी पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन और 180 डिग्री। इसके कभी कभी ये भी नाम हो सकते हैं कि सेम फेज का एक नाम और दे दे आपको, आउट ऑफ सॉरी इन फेज, ठीक है? इसका आपको एक नाम और दे देगा इन फेज, अभी नहीं देगा, समय है। ऐसे कुछ चैप्टर जहां पे ये वर्ड आता है, एसी और ईएमआई वगैरह वर्ड है, तो एसी अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये सब पढ़ोगे। तो अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि सेम फेज का मतलब इन फेज भी होता है और अपोजिट फेज का मतलब आउट ऑफ फेज होता है। तो ये जरूरी है, पता होना चाहिए। अब कैसे आते हैं, कैसे पता करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, उसको समय। सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करें तो फेज ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट एनी टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं जो कि क्या बताता है, पोजिशन। सो फेज एक्सप्रेस पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम विथ रिस्पेक्ट टू मेन पोल। ये बहुत जरूरी है, मेन पोजीशन की रिस्पेक्ट में जो पोजीशन और डायरेक्शन बताएगा उसे आप कहेंगे फेज, एक प्रकार से एंगल, समझा? फेज का मतलब ऐसा क्वांटिटी, ऐसी चीज जो मोशन का डायरेक्शन और उस मोशन की पोजीशन फ्रॉम मेन पोजीशन, ठीक है, जो उसकी पोजीशन बताएगी वो पार्टिकल अभी कहां पहुंचा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये सारी चीजें अगर बताता है तो हम कहेंगे वो पार्टिकल का फेज है। सो क्या क्या हमें पता होना चाहिए? पोजीशन के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ मोशन और किसके रिस्पेक्ट में, मेन पोजीशन। ओके, अब इसे हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? सबको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक वाली टर्म कौन सी होगी, साइन या तो कोसाइन, क्यू साइन कोसाइन, क्योंकि साइन और कोसाइन ही क्या है, हार्मोनिक फंक्शन। एक सेकेंड, नेटवर्क लैग कर रहा है। वेट कीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया है मेरा, अभी दिख रहा है सबको? ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वापस। मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि फेस का मतलब ये होता है कि जो पार्टिकल को क्या क्या बता दे, पार्टिकल कहाँ है और किस डायरेक्शन में। फेज मतलब विच एक्सप्रेस द पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, लेकिन इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मेन पोजिशन। ओके, हाँ, अब ये जरूरी बात है कि जो भी फेज रहेगा वो या तो साइन फंक्शन होना चाहिए या तो वो कोसाइन फंक्शन होना चाहिए, ठीक
क्या क्या होना चाहिए, वेदर इट इज साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, डन। और उसे कैसे लिखा जाता है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, और ये थीटा है, ये थीटा क्या होता है, ये थीटा यहां से यहां तक होता है, ये आपकी मेन पोजीशन की लाइन, ये जो आप देख रहे हो इसे आप क्या कहोगे, मेन पोजीशन की लाइन, हॉरिजॉन्टल वाली मेन पोजीशन की लाइन ये वाली, और ये वर्टिकल वाली क्या होगी, नीचे वाली निगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन और ऊपर वाली क्या होगी, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन। तो हम मेन पोजीशन की रिस्पेक्ट में जो मेजर करते हैं उसे हम फेज कहते हैं। सो यहां से यहां तक क्या हो गया, ये थीटा हो गया, तो थीटा को हम फेज कह सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन फिर से लैग कर रही है, ओके अब दिख रहा है स्क्रीन, काफी प्रॉब्लम हो रही है आज, बार बार नेटवर्क चला जा रहा है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। अब दिख रहा है अच्छे से सबको, ठीक है। हाँ तो मैं ये बात कर रहा था कि ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, ए साइन थीटा होगा, और थीटा कैसे मेजर करेंगे, हमने यहां से देखा कि थीटा को हम मेजर करने की कहां से यूज करते हैं, ये यहां से, यानी कि हम मेन रिस्पेक्ट में, मेन पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसको मेजर करते हैं, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वो भी कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा अब कैसे आता है, इसको मैं बाद में पढ़ाऊ, अभी टॉपिक आने का है रेफरेंस सर्कल मेथड यूज करेंगे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि x इक्वल टू ए साइन थीटा कैसे आता है। फिर भी मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ, साइन थीटा क्या होता है कोई बता सकता है, सर साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट मतलब सर ये, पहले आप देखो इस डायग्राम को समझो, ठीक है, थीटा, यहां से यहां तक जो आपको रेडियस दिख रही है ना उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है, यहां से यहां तक, या फिर मैं आपको ब्लैक स्क्रीन पे अलग से बता दूं, यहां पे जगह कम पड़ रही है, ये देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये निगेटिव एक्स एक्सिस, यानी निगेटिव, सॉरी मेन पोजिशन, सीधा सीधा मैं बोलता हूँ मेन पोजिशन, ठीक है, ये मेन पोजीशन वाली लाइन है, ठीक है, मैं सेंटर को मेन कह देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए, हॉरिजॉन्टल ये मेन तो है, यहां से यहां तक जो रेडियस है वो एम्पलीट्यूड के बराबर, रेडियस इक्वल टू एम्पलीट्यूड, कैसे आ रहा हूं बता रहा हूं, जरूरी नहीं है बट अभी पता चल जाए तो अच्छा लगता है, पढ़ने में मजा आ जाता है। ये आपका एम्पलीट्यूड, रेडियस सब जगह सेम ही होगी, यहां से यहां तक आपका थीटा था, ये एक्स भी हो सकता है कॉस भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें, आपका प्रोजेक्शन, आपका प्रोजेक्शन यहां पे भी तो पड़ सकता है ना, समझ रहे हो बात को, यहां पे पड़ेगा तो क्या होगा आप बताओ मुझे, यहां पे ये कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से, तो आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन मार्क, ये जो भी है ये एंगल का अपोजिट है, एंगल का अपोजिट है, इसलिए हम लिखेंगे इसको साइन थीटा, बड़ा अकेला नहीं आएगा, ए आएगा। अब ये पॉइंट का जो शैडो है, इस पॉइंट का जो प्रोजेक्शन है, कहां गिर रहा है, नीचे गिर रहा है ना एक्स में, इसलिए हम कहते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन, इसलिए हम इसे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा कहते हैं, क्लियर होगी बात, समझ गया, इसको एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा कहते, डन। तो ये है तरीका इन चीजों को समझने का, ठीक है। तो हमने देखा कि ये x इक्वल टू क्या हो गया, a साइन थीटा हो गया, और थीटा का मतलब यहां से यहां तक क्या होता है, थीटा का मतलब फाई होता है, सॉरी थीटा का मतलब ओमेगा टी प्लस फाई होता है, ओके ध्यान देना, फेस मिट गया, फेस मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन जीरो डिग्री, सेम डायरेक्शन जीरो डिग्री, और अपोजिट मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री,
ठीक है, डन। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि फेज बताता क्या है, फेज पोजीशन के बारे में और उसके डायरेक्शन के बारे में बताता है, और हमें पता चल गया कि डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और फेज कितना है, फेज कितना है ये यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अभी हम कहेंगे एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए साइन थीटा। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये जो थीटा है इसका नाम, ये क्या होता है, फेज। ये क्या होता है, फेज, कंप्लीट फेज। अगर मैं कहूं कि वो पार्टिकल इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पे था, आप टी इक्वल टू जीरो को आप इनिशियल वर्ड यूज करते हैं, तो अगर मैं कहूं कि पार्टिकल इनिशियली टी इक्वल टू जीरो था, तो आप क्या कहेंगे, सर अगर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई है यानी वो फेज है, और अगर टी इक्वल टू जीरो है इनिशियली, तो हम कह सकते हैं कि थीटा का ही मतलब क्या होता है, फाई, और फाई का ही नाम क्या होता है, फेज एंगल, या फिर एंगल ऑफ इपो, एंगल ऑफ इपो। ठीक है, याद रहेगा सबको, पेपर में आया हुआ है, इसको ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ इपोक का मतलब क्या होता है, इनिशियल एंगल, एंगल ऑफ इपोक का ही मतलब क्या होता है, इनिशियल एंगल। सबको ये बात समझ गई, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा में कोई डाउट है क्या? साइन, साइन में प्रॉब्लम है? ठीक है, देखो वापस से बताता हूं अनुश्री, आपको डाउट है, ठीक है फिर से मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। x इक्वल टू, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये क्या है मेरा, y। ठीक है, और ये मेरा एम्पलीट्यूड है, रेडियस इक्वल टू एम्पलीट्यूड। एक्स कैसे आया वो बता देता हूं, याद करना चाहिए वैसे तो, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे देख लेते हैं, रेडियस ही हमारा क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड। ठीक है, हमने देखा कि ये जो पार्टिकल है यहां से लेकर यहां तक पहुंचा, पार्टिकल ये 0 डिग्री है, और इसको मैं कितना ले लू, 45 डिग्री। ठीक है, समझ गया सबको, 45 डिग्री। तो हमने कहा कि पार्टिकल 0 से 45 डिग्री पहुंचा, तो ये जो आप ले रहे हो ना, ये एंगल, ये किसके रिस्पेक्ट में लेना है आपको, मेन पोजीशन के रिस्पेक्ट में। जो पोजीशन है, जो डायरेक्शन है, वो किसके रिस्पेक्ट में रहेगा, मेन पोजीशन के रिस्पेक्ट में, और वो एंटी क्लॉकवाइज देना पड़ता है, इसे स्लोप भी कहते हैं, मुझे पता है आपको याद होगा, थीटा। अब मुझे बताइए, मुझे एक्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक्स, यहां से यहां तक मैंने इस पॉइंट का शेडो बना लिया, यहां से यहां तक इस पॉइंट का शेडो मैंने यहां तक बना लिया, इस पॉइंट का शेडो, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, वो मैं कह रहा था आपको, बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर अभी डाउट आ रहा है तो बता, 90 ड्रॉ किया हमने परपेंडिकुलर, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट का शेडो है इस एक्स एक्सिस पे कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ यहां से यहां तक है, ये हमारी होगी ए साइन थीटा। क्या अभी समझा, साइन थीटा समझ गया, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, वही हमने लिखा, डन, बात समझ गई। तो ये था हमारा फेज ऑफ एसएचएम, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके न्यूमेरिकल के लिए, मैं बोल रहा हूं न्यूमेरिकल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। अब लास्ट पॉइंट जो है हमारा फेज डिफरेंस है, अगर एक नहीं दो पार्टिकल, अब दो पार्टिकल है, दोनों के बीच का फेज आ सकता है, फेज डिफरेंस आ सकता है। तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, यहां से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लेते एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल, तीसरा, ऐसे करते करते मैं बहुत सारे पार्टिकल बना दूं, ठीक है, ओके। तो ये लीजिए एग्जांपल, यहां से ऊपर, यहां पे नीचे का डायरेक्शन, अब जो मैं पूछूंगा ना आपको वो बताना है मुझे, तब आपको फेज डिफरेंस समझे, फेज डिफरेंस, डिफरेंस के लिए डेल्टा लेते हो, फेज के लिए फाई, ठीक है। ये ऐसे, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको ये सब बना के दे रहा हूं एक्स्ट्रा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कोई भी नंबरिंग ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं।
तो मैं पूछ रहा हूं थर्ड एंड एट्थ का डायरेक्शन क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए थ्री और एट्थ का डायरेक्शन। वन एंड इलेवन का डायरेक्शन, ये सब फेस के लिए चल रहा है। आपको मैं फेस डिफरेंस समझा रहा हूं कि ये दो कितने 11 पार्टिकल है, SHM एक ही पार्टिकल का होता है, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि फेस क्या होता है, साउंड में क्या होगा, कई सारे पार्टिकल्स रहेंगे। अब SHM में एक ही पार्टिकल होता है, तो एक पार्टिकल के लिए समझाना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये कई सारे पार्टिकल है यहाँ पे, उन पार्टिकल का डायरेक्शन देख के आप मुझे बताइए कि फेस क्या होगा। कई सारे पार्टिकल का आप फेस देखिए, आपस में कंपेयर कीजिए उनको और मुझे बताइए कि क्या है। तो आप कहेंगे सर तीसरे और आठवें की बात करो, बाकी आपको समझ गया होगा सबका डायरेक्शन चेक करना पड़ता है। तो थर्ड और एट की बात करें तो इनका सर डायरेक्शन डायरेक्शन अपोजिट है। अब कई बार क्या होता है, हम स्केलर वेक्टर की बात करें तो एंटी पैरेलल वर्ड यूज करते हैं, लेकिन मुझे तो आपको ये बताना है फेस डिफरेंस। तो आप कहेंगे सर ये 180 डिग्री, क्या सबको 180 डिग्री समझा क्या, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। वन और इलेवन की बात कर रहा हूं, पहला और ग्यारहवा देखिए आप, मुझे बताओ फर्स्ट और इलेवन में डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन, पैरेलल भी बोल सकते हो आप, थीटा कितना होगा, जीरो डिग्री, समझा क्या, क्या सबको समझाइए। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है, कितने चैप्टर में, चार से पांच चैप्टर में, इतना इंपॉर्टेंट जरूरी है, इसलिए अलग से मैंने बताया। क्या सबको फेज समझ गया, पहला वाला पार्टिकल सर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन हो सकता है, 90 डिग्री पे हो, 180 पे हो, कुछ भी हो सकता है। दूसरा पार्टिकल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू हो सकता है, 90 180 कुछ भी हो। तो मैं कहूंगा सर ये फेज डिफरेंस होगा हमारा, ये ओमेगा टी एक्स टू माइनस एक्स वन ले रहा हूं, ठीक है, तो ओमेगा टी प्लस फाइव टू माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव वन, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसल, तो मेरा फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई इक्वल टू फाइव टू माइनस फाइव वन। क्या सबको फेज डिफरेंस समझ गया, समझा सबको। अच्छा मुझे बताओ, एक लिखता हूं इक्वेशन, ए साइन ओमेगा टी एक्स टू इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, फेज डिफरेंस कितने का है बच्चों, कोई बता सकता है मुझे, ट्राई कीजिए, ट्राई करो। देखो कॉस आया है, सबको ट्रिग्नोमेट्री पता है कॉस कैसे क्या आ गया, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 90 डिग्री समथिंग, अरे हाँ या ना, बोलिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, क्या ऐसा अरेंज करना पॉसिबल है, साइन और कॉस में कितने का फेज डिफरेंस होता है। तो आज से आप याद रखेंगे साइन और कॉस में 180 डिग्री का होता है कि 90 का, देख के बताओ, अरे पाई बाय टू है सर, पाई बाय टू है, पाई बाय टू, क्या सबको फेज डिफरेंस क्लियर हुआ, बेसिक समझ गया सबको। ये छोटा सा वर्ड फेज डिफरेंस कितना बड़ा है, ठीक है, छोटा सा वर्ड फेज डिफरेंस कितना बड़ा, तो जो भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आप इसे नोट कर ले, अगर आपकी दूसरी क्लास है तो आप वो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे कल, थैंक यू।